Before diving into today's video, I would like to say, if you're new to my channel, please subscribe my channel or business, relationships और मोटिवेशन एजुकेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने चाहने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेजर क्वेश्चन टू एस्क आवर सेल्फ एवरी डे, हर रोज़ हमें अपने आप से एक सवाल करने की ज़रूरत है, और वो ये सवाल ये है कि हम किन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारने वाले हैं। या हर रोज़ हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है कि हम अपना वक्त किन लोगों के साथ गुजारेंगे, बिकॉज टाइम इज़ अ प्रीशियस एसेट। साइंस हैज़ डिस्कवर्ड लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन। पिछले 50 सालों में अगर मैं बात करूँ अपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिसर्च और स्टफ लाइक दैट, मैं सिर्फ अपने अंदाज़े के मुताबिक कहना चाहूँगा कि अगर पिछले 50 सालों में अगर हम गौर करें तो 50 सालों में साइंस ने वो चीज़ें ईजाद कर ली हैं, इनोवेट कर ली हैं, डिस्कवर कर ली हैं जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं थी। हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, हम तसव्वुर भी नहीं था कर सकते। हमने अगर दौलत खो दी है, if we lost our money, possessions, wealth, we can earn it back. पैसे को हम दोबारा से, दौलत जो खो गई है उसको हम दोबारा से हासिल कर सकते, we can earn back. लेकिन साइंस एक चीज़ में हमेशा फेल रहेगी, एंड दैट इज़ रिवर्सिंग टाइम। वो वक्त को वापस लाने के लिए ना तो कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, और ना ही कोई उनके पास और सोल्यूशन है। साइंस विल बी फेल्ड। साइंस अगर 50 सालों में उसने बहुत सारी तरक्की की है तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो वक्त को वापस लेकर आने के लिए भी कोई सोल्यूशन निकाला। उसका सिंपल सोल्यूशन यही है, यूटिलाइज योर टाइम, स्पेंड टाइम वाइजली। सिंपल सा सोल्यूशन है, बट वी मोस्टली जो है ना इस चीज़ पे हम काम नहीं कर पाते, हम मोस्टली इस चीज़ में फेल होते हैं। हम अपना बहुत सारा वक्त, बहुत सारा जो ज़ियाँ करते हैं ऑन डेली बेसिस, वो हमारे वक्त का है। इलॉन मस्क और दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग हैं एक जगह बैठें, अपने सारे पैसे को जमा करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, तो भी वो ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं ला सकते जिनसे उनका वक्त जो बीत गया है वो वापस आ सके। इट इज़ साउंड सिली कि हम अगर ऐसा तसव्वुर भी करें कि कोई ऐसी मशीन आ जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जहाँ पे इतनी ऐशो आराम हमें मिला है माजी के 50 सालों में, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना मॉडर्न सब कुछ हो गया, तो कुछ ऐसा आजाद हो जाए जिससे हमारा वक्त वापस आ सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर है। हम तसव्वुर कर सकते हैं इसका, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, whom we are going to spend time with. We can ask ourselves on daily basis before starting our day. जब हम दिन का आगाज़ करने के लिए फ्रेश हो रहे होते हैं, जब हम मिरर के सामने जाते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, we can ask ourselves on daily basis what I am going to do. आज मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ पे वक्त गुजारने वाला हूँ, किन लोगों के साथ मिलने वाला हूँ, किन लोगों के साथ वक्त गुजारने वाला हूँ। शीशे के सामने हम अपने आप को ऐसा मार तो रहे ही होते हैं, लेकिन हम अपने आप को मेंटली तैयार भी कर सकते हैं। और जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो सुबह का इंतज़ार नहीं करते, वो रात को ही सोच के सोचते हैं कि मैंने कल क्या करना है। और जो ज़्यादा स्मार्ट पीपल होते हैं वो तो उन्होंने तो अपना पूरा स्केड्यूल बनाया होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, 10 ईयर्स, दीज आर बिग प्लान्स। लेकिन अगर हम हफ्तों का वो प्लान नहीं बना सकते, महीनों का प्लान नहीं बना सकते, सालों का प्लान नहीं बना सकते, तो बट वी कैन प्लान आवर डे। हम अपने दिन का आगाज़ जो है वो प्लान के साथ कर सकते हैं, हम दिन को प्लान कर सकते हैं कि वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर टाइम। मेरा अपने आप से भी यही क्वेश्चन है, आपसे भी यही क्वेश्चन है कि हु यू आर गोइंग टू स्पेंड टाइम विद ऑन डेली बेसिस। गेम्स, टॉक्सिक पीपल,
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ऐसी मसरूफियात, ऐसी सरगर्मियाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान की तरफ लेके जा रही हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचा रही हैं। रुकिए और इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड योर टाइम विद ऑन डेली बेसिस। मेरा ख़ुद से भी यही सवाल रहेगा इस साल एटलीस्ट, बिकॉज आई हैव मेड अ ट्रिमेंडस प्लान फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई बिजनेस, कि वट आई एम गोइंग टू डू दिस ईयर। आई हैव सम प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, लेकिन मैं आपको इसी चीज़ से मोटिवेट करना चाहूँगा कि अपने लिए अगर आज तक आपने कुछ नहीं किया तो ये काम कीजिएगा कि ask yourself on daily basis where you are going to spend time, क्योंकि time एक ऐसी investment है, ऐसी investment है जो लोग degrade करते हैं, या not degrade, जिसको underestimate करते हैं, या underestimate is the right word। आप जितना मर्ज़ी time invest कर लें किसी की ज़िंदगी में, लोग इस चीज़ की बेकदरी करते हैं, इसको underestimate करते हैं। वो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि हमने उन पर कितना पैसा लगाया, हम उनके साथ कितना रहते हुए, उनके साथ रुपया पैसा और वगैरह वगैरह, कितनी आउटिंग वगैरह की, वो इस चीज़ को मायने देते, इस चीज़ को वैल्यू देते हैं। बट स्मार्ट पीपल नो टाइम इज़ द प्रीशियस एसेट। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, आप बहुत खुशकिस्मत शख्स हैं। लेकिन अगर आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि यूटिलाइज योर टाइम स्मार्टली, चूज़ वाइजली वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड इट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आई थिंक सो आनी चाहिए वीडियो पसंद, इफ़ नॉट देन इट्स ओके। लेकिन अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद एवरी पर्सन यू लव। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ और दीगर वीडियोस को भी देखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।